गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। मेरा और देव दोनों लोगों का ही ब्लड वर्क है आज, तो और फास्टिंग वाला था तो इसलिए हमने सुबह सुबह का ही अपॉइंटमेंट ले लिया। तो अभी हम लोग इसलिए ही आए हुए हैं यहाँ पे। और कनाडा में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे हेल्थ केयर जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, तो रेगुलर हमारे चेकअप्स एंड टेस्ट जो भी रहते हैं वो होते रहते हैं, तो अगर कोई दिक्कत हुआ तो पता चल जाता है शुरुआत में ही। और इंडिया में हमारा तो जब तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाता था तब तक हम जाते ही नहीं थे, तो ये चीज़ का लगता है। लेकिन जहाँ पे कुछ फ़ायदे होते तो कुछ नुकसान भी होते ही हैं उसके, तो यहाँ पे ये है कि डॉक्टर्स की बड़ी शॉर्टेज है। तो अभी तक हमें कोई फैमिली डॉक्टर नहीं मिला है, मतलब थी पहले एक, फिर वो चली गई कहीं, तो फिर नहीं मिला, तो फिर वही जब है वेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट अभी तो ये भी अच्छा हो गया है कि वॉक इन क्लिनिक्स जो हैं उनमें पहले दवा नहीं देते थे, बट अभी वो लोग भी मेडिसिन वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। वॉक इन क्लिनिक्स में जनरल फिजिशियन ही रहते हैं, तो स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसके लिए भी बहुत लंबी वेटिंग होती है। तो इस चीज़ से बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि भैया टैक्स हमारा कम लो, टैक्स इतना ज़्यादा लेते हो, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ मिल नहीं रही है वैसे, उस हिसाब से सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं। बट इंडिया में यही वो ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे से अच्छा अपना इलाज करवा सकते हो। इतना नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत परेशान होना पड़ता है, समझ में नहीं आती। ये लोग हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब जब तक वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो तब तक कुछ उसको सोचते ही नहीं है कि हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों को यहाँ पे। और हम दोनों अब ब्लड टेस्ट करा के अब जा रहे हैं फटाफट से खाने, मतलब हेल्दी चीज़ तो नहीं खाएंगे, अनहेल्दी ही खाने जा रहे हैं। बट भूख बहुत लग गई है, बताया मैंने फास्टिंग वाला था ये जो टेस्ट था, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, तो अभी फटाफट से कुछ खा लेते हैं। और इसके बाद हमें जाना भी है, मिश्का के लिए कुछ कपड़े लेना है तो वो लेने के लिए भी जाना है, तो इसलिए वजह से हम लोग बाहर ही अभी खा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ओल्ड नेवी, और ओल्ड नेवी से भी जो भी कपड़े लेने थे मिश्का के लिए हम लोगों ने ले लिया है, और अब घर चलते हैं। और लंच के लिए मम्मी ने बनाए यहाँ पे राजमा चावल, और साथ ही साथ मैंने सुबह में बनाए थे ये दही बैगन, तो वो भी है, और ये कबाब टाइप के कुछ ऐसे ही बना दिए थे तो वो है, और सुबह में ये बना था नाश्ते के लिए। क्या कर रही हो? अरे बड़ा मैचिंग लगाए हैं आप लोग, मम्मी और पापा। मैचिंग कब आएंगे प्रियो साधना? सब लोग आएंगे, मैं प्रियो साधना किंकी नहीं, कब आएंगे? कल आएंगे। पार्टी करते हैं? कौन सा पार्टी होगा, किसका पार्टी होगा? पार्टी Just like चलो उनो खेला जाए। ठीक है, मैं भी खेलेंगे उनो। कौन, उनो या लूडो? उनो या लूडो? लूडो। और मम्मी पापा के ये यहाँ पे कनाडा में 2-3 दिन बच्चे हुए हैं, उसके बाद ये लोग जाने वाले हैं, तो उसके ही बहुत खराब लग रहा है कि पता नहीं कैसा लगेगा।
बट ये बात की भी खुशी है कि चलो इतना दिन तो ये लोग रहे हमारे साथ और हमने काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों के साथ। बट लास्ट में ना मतलब यही है कि पापा के पैर में दर्द होने लगा था तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि थोड़ा सा दिक्कत है, दवा वगैरह नहीं देते हैं, तो हम लोग ऐसे ओवर द काउंटर दवा लेके आए थे और वो सब दे रहे थे पापा को। बट थोड़ा सा इसके लिए भी सही लग रहा है कि अब चले जाएंगे तो अच्छे से इंडिया में अपना टेस्ट वगैरह सब करा लेंगे। ठंडा लग रहा है क्या आपको? जा चाय बनाओ, ऑर्डर मिल गए ना तो के ठंडा लग रहा है। मम्मी सबको गर्मी लगता है तब भी ठंडा लगता है ये। अरे भाई मतलब गजब की लड़की है भाई, रात को ओढ़ती नहीं और अभी बड़ा इसको ओढ़ना। नहीं इस रूम में ये वाला कर्टेन लगाने से ना, ये देखिए कर्टेन टच करके देखिए कितना गर्म है, और नहीं तो ये रूम बहुत गर्म हो जाता है। विंटर में पतला वाला लगा देंगे, गर्म है ना मिश्का? कुछ नहीं बेटा, बस क्लीन कर रही थी ना, बहुत सारा टॉयज आपने फैलाया हुआ था, मिट्टी गिरा हुआ था यहाँ पे, तो वही सब क्लीन कर रही हूँ। उसी में रख दो, फेंको मत इधर उधर, एनिमल्स आके ले जाएंगे फिर सब सारा प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें रखा है। प्रोटेक्ट नहीं तो फेंको, इधर उधर लेके चली जाएगी। ठंडी वाली धूप लग रही है ना, बहुत तेज करेंगे। रोज हम बेडरूम वाला मिरर साफ करते हैं, उस पर रोज लगा देती है। वैसे देखो जरा कितना गंदा दिख रहा है, पूरा ऊपर ऊपर तक उसका हाथ दिखाई दे रहा है मेरे को। बाहर से ही है, अंदर से भी होगा। क्या हुआ क्या? सैंड को नहीं क्लीन करना है, सैंड को क्लीन, मेरा हाथ देख रही हूँ। आपको बहुत पेन होगा और बहुत दुखेगा आपको। बचाओ को कहती है, मचाओ। अरे ये देखिए, वो देखिए आप लगाए ना वो जाली, इतना मेहनत से खींच के निकाल दी, खींच दी। कॉल पुलिस। देखो मम्मी, नहीं देखो मिश्का, ग्रैनी चाय लेके आ रही है। निकाल दी। और सारे फूल कितने प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं, इनको देख के बस मूड ही अच्छा हो जाता है। जब भी थोड़ा सा अजीब लगता है इनके पास आ जाओ कि एकदम खुशी हो जाती है, मन में अच्छा लगने लगता है। और ये भी लगता है हमें कि जो भी मेहनत की गई है यहाँ पे, सारी मेहनत रंग लाई है और सब फूल बहुत अच्छे से हो गए हैं। और मम्मी पापा का तो बहुत सारा टाइम यहाँ पर जाता है, इन लोग को बहुत अच्छा लगता है। और जब मम्मी पापा चले जाएंगे तो फूल भी उनको मिस करेंगे और मम्मी पापा भी ये जगह को बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादातर टाइम यहाँ पे फूलों के बीच में ही बीतता है। देखो वहाँ जा रही है, ये क्या जा रही है? अच्छा क्या, ये सब तो हमेशा ही चलती रहती है। दरवाजा बंद कर दो मिश्का, या फिर तुम अंदर चले जाओ बेटा, तुमको स्वेटर नहीं पहनना, तो अंदर चले जाओ। ठंडा लग रहा है, हल्का हल्का जुखाम हुआ उसको ना। इस वाले में पानी देना, ये सूख रहा है। हाँ ये बहुत हल्का भी लग रहा है, ये वाले सब भी मुरझा के नहीं, थोड़ा पानी उदम उसको उठा के उस पर टांगे, उदम हल्का लग रहा था। किस कलर का था पता नहीं, क्या हो गया मिश्का?
क्या हो? स्टारबक्स चाहिए। स्टारबक्स? अच्छा डैडी चाय पी रहे हैं ना अभी? नहीं, मैं भी चाय पी रही हूँ। देखो मैं चाय पी के देखते हैं, ठीक है? चाय मत पीना। चाय नहीं पीऊँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अब खेलना है मेरे साथ, खेलना है। अच्छा चाय पी के खेलते हो ना, चाय ठंडा हो जाएगा बेटा। नहीं प्लीज। नहीं ठीक है, मत पी लो। नहीं मम्मा, आती हूँ पी के। नहीं तो वो चला जाएगा मिश्का। क्या? हनी भी चली जाएगी घर के अंदर। बंद कर दो। आती हूँ चाय पी कर। आती हूँ। क्या हो जाएगा मिश्का? आउटसाइड आउटसाइड में क्या हो जाएगा बेटा? अरे चाय पी लेने दो। और डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कैरेट, अनियंस और जिंजर गार्लिक को ना ग्रेट करके इसमें डाला है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिए उनको। तो मैं यहाँ पे चॉपर में कर ले रही हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी हो जाए और फटाफट से बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी तरीके से कैबेज को भी मैंने चॉप कर लिया यहाँ पे चॉपर में। और यहाँ पे बेल पेपर भी यूज़ किया है मैंने, ग्रीन वाला नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं यही यूज़ कर ले रही हूँ। आप ग्रीन वाला यूज़ करना क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्या ही अब लेने जाऊँ, यही बना देती हूँ। और इसमें फिर मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर और मैदा, तो जैसा आपको समझ में आए ना वैसा आप ऐड कर लेना, क्योंकि आपको ना मेनली इसका जैसे बाइंडिंग करना है तो उतना आप डालना ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए उसकी। और अगर आपको ड्राई वाला खाना है तो आप उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और मैदा यूज़ करिए, क्योंकि उससे कड़ा डो बनेगा तो क्रिस्पी ज़्यादा बनेगा। और अगर ग्रेवी वाली बनानी है तो आप थोड़ा सा ढीला भी कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट वाला डो बनाइए। तो मैं यहाँ पे मतलब मीडियम टाइप का बना रही हूँ कि दोनों में ही चल जाए। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ मंचूरियन बॉल्स जो हैं उनको फ्राई कर ले रही हूँ, और गोल्डन ब्राउन होने तक उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। और सारे मंचूरियन बॉल्स को हम मीडियम हीट पे ना फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज फ्लेम पे करेंगे आप तो ऊपर का जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे करके इसको फ्राई कर लेना है। और इसके आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है येलो कैप्सिकम और बेल पेपर और अनियन, और साथ ही साथ लहसुन, लहसुन को चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, जिंजर को भी चॉप करके रख लिया है यहाँ पे। और इसके बाद कढ़ाई गरम करेंगे और सभी को डाल देंगे उसमें। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो कैप्सिकम और अनियन है वो। तो अनियन को देखिए मैंने कैसे इसको पील किया हुआ है बस, और बीच से कट कर दिया, वैसे ही करना है। और इसको हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा क्रंची सा रखना है। मैंने यहाँ पे घोल बना लिया है कॉर्नफ्लावर और पानी डाल के। तो जब ये हल्का सा भून जाएगा तो इसमें चिली सॉस डाल दे रही हूँ मैं, और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस और टमाटो केचप। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने वो बनाया था कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्स, तो वो डाल देंगे। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए होता है और सबको एक दूसरे से बाइंड करने के लिए होता है, मतलब चिपक जाता है थोड़ा सा। बाइंड बिल्कुल वैसे नहीं होता है बट थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा चिपका चिपका सा हो जाता है सब कुछ एक दूसरे में, तो वैसे सा हो जाता है। तो पापा को ग्रेवी वाला खाना था तो इस वजह से मैं इसमें पानी और ऐड कर दे रही हूँ, नहीं तो बहुत उसमें ऐड नहीं करना पड़ता पानी, वो अपने आप ही बहुत अच्छा सा हो जाता है। जो हमने डाले रहते हैं कॉर्नफ्लोर में जो पानी डाले रहते हैं उसी से अच्छे से हो जाता है वो मिक्स। तो पापा को ग्रेवी वाला खाना था इसके वजह से मैं यहाँ पे
थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और उसमें मिक्स कर दे रही हूँ कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्स थोड़ा सा और, ताकि ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद बस ऐड कर देंगे हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो। मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाले से वो कम ग्रेवी वाला, मतलब सूखा वाला जो रहता है वो वाला ज़्यादा पसंद है, बट अभी सबको यही खाना था तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो और अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए पूरा ऐसे ग्रेवी वाला, तो बस जितना कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड किया था वही रहने दीजिए और मस्त सा मतलब ड्राई वाला मंचूरियन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बना है। और जब जिसको ग्रेवी वाला पसंद है, ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो ग्रेवी वाला भी कर दो। तो इसको फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ खाते हैं, और अपना क्या है, हम तो इसको प्लेन राइस और रोटी के साथ भी खा लेते हैं, तो अपना कुछ अलग ही चलता है। आज हम लोग इसको रोटी के साथ ही खाने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है कि ये चीज़ इसी चीज़ के साथ खाना है। अरे भैया, खाने का चीज़ है, जिसके साथ मन करे उसके साथ खा लो, बस चिल करो खा पी के। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।